पाटिल बोलिए, आपकी बारी है, बोलिए अतुल भाई बोलिए। ऐसा है कि इनकी वित्त मंत्री जो है वो कहती है पैसे नहीं मैं लड़ नहीं सकती, देश भर में इनकी टिकटें वापस हो रही है, डिक्लेयर की हुई टिकटें महाराष्ट्र में वापस ली जा रही है, भावना गवली कहां गई है किसी को पता नहीं है, वो नाराज है, उनकी टिकट जो है काट दी गई, यहां टिकटें बदली, हेमंत पाटिल की टिकट बदल गई, यहां पता चल रहा है कि 48 के 48 सीटें बीजेपी लड़ना चाहती है और अजीत पवार और एकनाथ शिंदे दोनों नाराज है, वो शायद पूजा कर रहे होंगे तू इनके भाषा में, 6-7 घंटे वो आउट ऑफ रीच थे, नॉट रीचेबल थे एकनाथ शिंदे जी, तो शायद वो पूजा कर रहे होंगे। यहां पर देवेंद्र फडणवीस कहते हैं कि मैं कल्याण से टिकट डिक्लेयर कर रहा हूं श्रीकांत शिंदे की, और श्रीकांत शिंदे कहते हैं कि अभी शिंदे साहब ने मेरी टिकट डिक्लेयर की नहीं है, उनके पिताजी ने यानी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने टिकट डिक्लेयर नहीं की है। ये तोहिन जी इतना बता रहे हैं, मुझे हिम्मत नहीं थी आपकी चुनाव लेने की, 2 साल से चुनाव नहीं लिया आपने बीएमसी के और 10 बड़े कॉरपोरेशन के, मैं अगर फिर से वापस आऊंगा तो 2 महीने के अंदर ओबीसी का आरक्षण वापस लेके आऊंगा, तारीख पे तारीख हो रही है, तुषार जी जाते नहीं है वहां पर, सुप्रीम कोर्ट में जाते नहीं, हमको आगे की डेट दिला दो, तो ओबीसी के साथ धोखा, मराठों के साथ धोखा, हमारे अशोक चव्हाण जी गए हैं वहां पर, उनको प्रचार नहीं करना हो रहा है, वो घर में बैठ गए हैं, उनकी बेटी जो है उनको भी लोगों ने वापस भिजवा दिया, क्यों भाभी जी को भी लोगों ने वापस भिजवा दिया, अशोक चव्हाण क्यों प्रचार नहीं कर रहे, मराठा आरक्षण के से जो नाराज लोग हैं हाँ। वो उन्हें प्रचार नहीं करने दे रहे और उनको घर में बैठना पड़ रहा है, ये वास्तविकता है। इनके एक मेंढे है, मेंढे जी इनकी सेकंड टर्म है भंडारा गोंदिया में, उनको प्रचार की प्रचार सभा नहीं ले पा रहे, भाषण नहीं दे पा रहे, गांव से भागा दिया है, तो वास्तविकता ये है कि ये सांप्रदायिक तो है बीजेपी का, आज तक बीजेपी ने इनका पुरानी मोहब्बत है मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग के साथ इन्होंने सरकारें बनाई थी, जब कांग्रेस के सिपाही लड़ रहे थे, फांसी पे जा रहे थे, गोली खा रहे थे, तब ये लोग अंग्रेजों के चरण चुंबन चरण वंदना कर रहे थे, इनके सावरकर जी कह रहे थे कि आजाद हिंद सेना के खिलाफ अंग्रेजों में भर्ती कराओ, श्याम प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ कह रहे थे कि लेटर लिख रहे थे गवर्नर को कि आप बताइए कांग्रेसी गुंडों को 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी उनको मैं सीधा करता हूं, मुझे मिलिट्री का परमिशन दीजिए, तो ये सारी इनका इतिहास जो है वो गद्दारी राजनीतिक आरोप पर आप प्रधानमंत्री की शिकायत क्यों कर रहे हैं चुनाव आयोग में? इसलिए हम शिकायत कर रहे हैं कि वो उस मुस्लिम लीग का नाम ले रहे हैं जिस मुस्लिम लीग जो उनका साथीदार था, इन्होंने ही फोटो लगाते थे हिंदू महासभा, फोटो लगाते थे हिंदू महासभा, फोटो लगाते थे सावरकर जी का और जिन्ना जी का। मुझे एक बात बताइए, इन्होंने जो राम राम करते रहे महात्मा गांधी और जिन्होंने कहा कि इस देश का विभाजन मेरी लाश पर होगा, उनपे 3 गोलियां चला दी और वो बड़ा चार्ज है, मैं देश का विभाजन किया उसके ऊपर 3 एक कंकड़ भी फेंक कर नहीं मारा, ये हमें बचा। ओके अतुल लोंडे पाटिल, एक सेकंड नहीं नहीं, अरे अभी 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 रुकिए ना, अभी बहुत देर है, अभी तो मेरा अगला सवाल सुन लीजिए, अगला सवाल, क्योंकि आज सीट शेयरिंग सबसे बड़ी खबर है, उस पर डिबेट है। विद्याताई और ब्रिजमोहन जी, एक सेकंड में आ रहा हूं बस। अच्छा ये भी बताइए, जो संजय निरुपम गए हैं आपकी पार्टी से, आपको पता है ना कि वो एनडीए में जाने वाले हैं, एनडीए की किसी पार्टी में जाएंगे, आपको तो अंदर की सारी जानकारी रहती है, खबर क्या है, कहां जा रहे हैं? नहीं, उनकी मर्जी, वो कहीं पर भी जाए, उनको टिकट नहीं मिल रही थी यहां पर, इसलिए वो जा रही है, सच्चाई है, और वहां तो मिल रही है टिकट। अभी वो स्वतंत्र है, उन्होंने उनको पार्टी से निकाल दिया गया है, उन्होंने भी बाद में इस्तीफा दिया, तो वो उनको जहां जाना है, हमारी शुभकामनाएं शुभेच्छाएं हैं, हम लोग उनमें से नहीं है कि जो गाली गलौज करे पीछे में। लेकिन अभी एक बात मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री 10 साल के बाद मैंने इतने रोजगार दिए ये क्यों नहीं बताते, जबकि आज का रिपोर्ट है सीएसओ का जिसमें हमारा जो बचत है वो 5.2% से 5 पे आया है, कांग्रेस के जमाने में 30% तक जीडीपी में हमारा कर्जा जो है घरेलू कर्जा वो 40% तक बढ़ गया, जो कभी नहीं था 70 साल में। तो ये रिकॉर्ड okay, तो इन जवाब दे रहे हैं, उसके बाद आ रहा हूं विद्याताई और ब्रिजमोहन। एक मिनट, 10 सेकंड और, मेरा 10 सेकंड पूरा दिया आपने समय और मेरा समय आप ले रहे। तो इन्होंने पेपर लीक के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं देश के प्रधानमंत्री, यहां तो हर बार पेपर लीक हो रहा है, इन्होंने तो सबसे बड़ा एक नायाब तरीका निकाला है, सबको पास कर दिया टीचर टीईटी में सबको, और जगह कितनी है, कभी बोलते 35,000 कभी बोलते 55,000, 2,14,000 लोगों की लिस्ट लगा दी है, अब तक नौकरी दी नहीं, केसरकर जी ने कई बार डिक्लेयर किया है, तो धोखे पे धोखा। ओके तो